नमस्कार दोस्तों। दोस्तों काफ़ी लोगों के सवाल आए हैं कि भाई अगर हम दीन दयाल के अंदर अगर प्लॉट बाय करते हैं, यानी प्लॉट खरीदते हैं अंडर दीन दयाल की जो टाउनशिप है उसके अंदर अगर प्लॉट खरीदते हैं, तो कितने टाइम के बाद हम उस प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं या कितने टाइम तक उसको हम खाली रख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से समझने वाले हैं इसी टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि काफ़ी हम इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ पे डालते रहते हैं और आप लोगों के लिए नॉलेज वीडियो भी डालते हैं और आपको बेटर इन्वेस्टमेंट सजेशन भी देते हैं कि आपको किस टाइप के प्रोजेक्ट में यहाँ पे जाना चाहिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि जब हुड्डा ने गुड़गांव के अंदर जब प्लॉट अनाउंस किया था, कि जब प्लॉट काटना शुरू किया था या सेक्टर को डेवलपमेंट करना शुरू किया था हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, तो हुड्डा के अंदर जो प्लॉट हुआ करते थे उस काफ़ी टाइम तक तो उसके ऊपर कोई कंडीशन आई नहीं थी कि भाई आपको इतने टाइम तक ये प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन करनी है। तो उसके तकरीबन 10-15 साल बाद ये अनाउंसमेंट हुई थी कि भाई जिसके पास भी हुड्डा का कोई प्लॉट है जो सेक्टर के अंदर खाली है उसको या तो 25% बनाना वो मैंडेटरी कर दिया गया था। तो अभी अगर हम अंडर दीनदयाल के तहत देखें तो दीनदयाल के अंदर भी अभी इस टाइप की कोई गाइडलाइन आई नहीं है कि आपको कब तक उस प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन करनी है और वो कंस्ट्रक्शन कितने परसेंट की करनी है, क्योंकि दीनदयाल में इस टाइप का कोई नो नहीं डला था, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है दीनदयाल को स्टार्ट हुए। और दीनदयाल तो वैसे भी बंद हो गई है। 2023 के अंदर गुड़गांव और सोना के अंदर दीनदयाल की टाउनशिप को बंद कर दिया गया है, लाइसेंस नहीं मिलेंगे। जिनके पहले लाइसेंस मिल चुके हैं उनको अथॉरिटी है कि वो बना सकते हैं, या वो प्लॉट हो या वो बिल्डर फ्लोर हो, तो वो बाजार के अंदर आप अपनी जो टाउनशिप है दीनदयाल के अंदर वो सेल कर सकता है। तो उसमें अभी तक आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों कि आपको ये प्लॉट अभी इतने टाइम के लिए बनाना ही पड़ेगा, यानी आप उसको अभी के हिसाब से अगर हम आज की बात करें तो आप 5 साल 10 साल तक होल्ड कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही कि आपका इस साल लैंड में अगले साल या उससे अगले साल या 5 साल बाद कुछ ऐसे नॉन्स आ जाएँ कि आपको प्लॉट के ऊपर कुछ न कुछ आपको कंस्ट्रक्शन है वो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये गेटेड के अंदर होते हैं, ओपन तो होते नहीं है, क्योंकि गेटेड के अंदर तो ऑटोमेटिक आपके ऊपर जी आपका मेंटेनेंस चार्ज आ जाएगा, कुछ और आ जाएगा, या इसके अंदर ज़्यादा प्लॉट होते नहीं, क्योंकि हुड्डा के सेक्टर तो बड़े होते हैं, उनमें बहुत सारे प्लॉट होते थे तो इसलिए डेवलपमेंट होने में टाइम लग जाता था। तो दीनदयाल में तो वैसे ही जल्दी बन जाएंगे, क्योंकि दीनदयाल में वैसे भी 4 फ्लोर बना सकते हो, सेल कर सकते हो, हर कोई या तो एंड यूजर लेता है या इन्वेस्टर लेता है। और इस टाइम के अगर मार्केट देखे तो आप गुड़गांव के अंदर भी काफ़ी दीनदयाल के प्लॉट हो गए हैं, सोना के अंदर भी हो गए हैं। अब ये जो सप्लाई थी अब ये बंद हो गई है, तो इस सप्लाई के चलते चलते मोस्टली लोग यहाँ पे प्लॉटों के ऊपर अपने मकान बनाना है वो शुरू करेंगे। तो ये ज़्यादा टाइम तक ये जो दीनदयाल की टाउनशिप है ये आपको खाली नज़र नहीं आएंगे। तो यहाँ पे आपको एक अच्छा रिटर्न भी मिलेगा, क्योंकि सप्लाई बंद होकर डिमांड रेज हो रही है और गेटेड मिल रही है। प्लॉट छोटे हैं बट गेटेड हैं, फैसिलिटी हैं, आप आसानी से काम कर सकते हैं, कहीं बाहर जा सकते हैं, बच्चे आराम से खेल सकते हैं, 9 मीटर के रोड होते हैं, ठीक है जी। 9 मीटर में ज़्यादातर डेवलपर अलाउड नहीं करते कि 9 मीटर के रोड के ऊपर आप गाड़ी खड़ी करें, वो आप स्ट्रीट पार्किंग या कहीं ऐसी जगह खड़ी करें जहाँ पे जैसे कि कमर्शियल एरिया हो गया है ना, कहीं ओपन स्पेस है, विजिटर कार पार्किंग है, तो 9 मीटर के अच्छे खासे रोड उभर के आएंगे। तो दोस्तों एक ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी थी, क्योंकि काफ़ी लोग इस बारे में पूछ चुके थे, हमारे सब्सक्राइबर की कई बार कॉल भी आ चुकी थी, मैसेज भी आ चुके थे, गूगल फॉर्म के जरिए वो रिक्वायरमेंट भी डालते हैं दीनदयाल की प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। तो अगर आपके कोई रिक्वायरमेंट है अंडर दीनदयाल के प्लॉट्स के अंदर, तो डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म मिलेगा, उसके अनुसार आप अपनी जो इंक्वायरी है वो जनरेट कर सकते हैं। हमारी सेल्स टीम आपसे कॉन्टैक्ट करके आपको बेटर सजेशन देगी कि आपके लिए कौन सी ऐसी टाउनशिप है जहाँ पे आपको, अगर इन्वेस्टर है तो इन्वेस्टमेंट के लिए और अगर आप एंड यूजर हैं तो एंड यूजर के हिसाब से। तो दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वहीं पे हम अपडेट वीडियो और प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं डालते रहते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको ज़्यादातर चीज़ें देखने को मिल जाएंगी अगर आप हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कितने साल तक ये बनाना है। थैंक यू दोस्तों।